देख रहे हैं रविदास जी के जो मंदिर बने हुए हैं उनमें बहुत कुछ ब्राह्मणवाद घुस गया और उसका काफ़ी हम लोगों ने सफाया भी किया, ऐसी बात नहीं, और विरोध भी होता हम लोगों का। हम जाते हैं वहाँ पर तो काली की देवी, ब्रह्मा विष्णु और गणेश जैसी मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं और हमने लोगों को जागरूक किया तो कुछ लोगों ने इक्का दुक्का लोगों ने विरोध किया, लेकिन ज़्यादातर 98% हमारे समर्थन में आए और काफ़ी मंदिरों का हम लोग सफाया कर चुके हैं। तो मैं गुरु जी के बारे में बहुत कम शब्द बोलूँगा। मैंने 142 राइटर को पढ़ा, अभी पासवान जी को नहीं पढ़ा, इनको भी पढ़ूंगा। तो उसमें यह बताया गया जब गुरु जी की 120 साल की उम्र थी, यानी अब से 522 साल पहले, तो चित्तौड़ बुलाया गया, मेवाड़ चित्तौड़, जहाँ पर शास्त्रार्थ ब्राह्मणों में करना था। और जब महल के अंदर जाते हैं गुरु जी 120 साल की उम्र में, तो वो क्या होता है अंदर, वो एक गुफा होती है और वो तख्ता खींचते हैं, गुरु जी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, उनके ऊपर छुर और तलवारों को प्रहार किया जाता है, इस तरीके से निर्मम हत्या की गई हमारे गुरु की। तो मैं जो इनको पढ़ा समझा, संत गुरु रविदास जी और बाबा साहब कोई अंतर नहीं, मैं 1% भी अंतर नहीं मानता, और बुद्ध जी के को भी मैं अलग नहीं मानता। संत रविदास जी हमारे वज्रयान बहुत थे, जो दुनिया के कल्याण के लिए कहीं से भी कल्याणकारी कर सकते थे, स्वास्थ्य प्रदान कर सकते थे, और पूरी देश और दुनिया के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। चूंकि जैसे बुद्ध जी ने कहा कि अत्य दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, वही बात गुरु जी ने दूसरे शब्दों में कही, मन चंगा बीज कटौती गंगा, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। और गुरु ने कभी हमारे हमें पूजने के लिए या किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने के लिए कभी नहीं कहा। तो जो वाणी बुद्ध की है वही वाणी संत रविदास जी की हमको अलग अलग करके नहीं देखनी चाहिए। वो वज्रयानी बहुत हैं और वज्रयानी बहुत हैं और वज्रयानी बहुत रहेंगे। और उन्होंने एक बात कही कि ब्राह्मण झूठा, वो ब्रह्मा झूठा, ब्राह्मण झूठा और वेद 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 झूठा। तो पहले से हमारे जो बात बुद्ध जी ने कही वही तो उन्होंने कही, कोई अलग थोड़ा ही, भाषा तो एक ही है लेकिन शब्दों का कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात बुद्ध की और संत शिरोमणि आदि कोई अंतर नहीं, 1% भी अंतर मैं नहीं मानता, और वो बुद्धि हैं। और मैं ये अपील करना चाहूँगा आप समाज के लोगों से, देखिए सभी लोगों को बौद्ध बन जाना चाहिए। जैसे परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं, एक सिख बन जाए, उसकी वजह बताता हूँ सिख क्यों बन जाए। तो सिख होने की वजह से हमारे परिवार में हथियार आ जाएंगे, हम आपको आत्मबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, आत्मशक्ति हम अपनी जनरेट कर सकते हैं और उससे अपने समाज की और देश की सुरक्षा कर सकते हैं। और बुद्ध इसलिए बन जाओ, 80 देश तो हमारे प्योर हैं, 85 देश ईसाइयों के हैं, टोटल मिला के ये सब मिलाकर, और 168 देशों में बुद्ध धर्म का विस्तार हो चुका। तो ये सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी, हमारे पूरा जो ब्रदरहुड चला रहे, तो पूरी दुनिया के साथ हम ब्रदरहुड करेंगे। अब मिस्र के अंदर आप यदि कोई लोग गया हो तो मिस्र के अंदर तीसरा स्थान हमारा आता है, मुसलमान हैं वहाँ पे, ईसाई हैं, और तीसरे नंबर पर अम्बेडकरवादी और संत रविदास जी और बुद्ध को मानने वाले हैं, तो तीसरी संख्या हमारी। तो हमारे लोग विदेशों में भी पहले से ही हजारों साल से वास करते हैं और अपने गुरु की प्रेरणा पाकर उसकी वाणी को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, उससे बात करने से पहले थोड़ा मैं आभास के बारे में बता दूँ। आभास क्या है, अभी लोग श्रमण संस्कृति की बात कर रहे, आजीवक की बात कर रहे, तो ये जो आभास हमने नाम दिया आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, आभास का मतलब ये होता है, क्योंकि अपने लोगों में बताने में कोई गुरेज नहीं, हमको अपने लोगों में बताने के लिए विस्तार से बता सकते हैं। आभास का मतलब होता है आदि भारतीय आजीवक श्रमण संघ, जो हमारे हजारों साल से पुरुष जिस संस्कृति को लेकर आए हैं उसी संस्कृति को हम गांव-गांव शहर शहर बढ़ा रहे हैं। और लाल सिंह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं इस मिशन में राष्ट्रीय प्रेरक का रोल अदा करता हूँ, और गाँव और शहर सब जगह देख रहे हैं क्या बीमारी क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ चीज़ें मैंने बताई कुछ लोगों से, मैंने गाँव में कहा, मैंने कहा ये जो आपने देवियाँ रख दी घरों के अंदर, इनके मंदिर के अंदर, ये कभी ना खुदा ना खासा कभी कोई बात हो जाए तो ब्राह्मण अगर दावा पेश करेगा कोर्ट के अंदर तो कहेगा हमारे मूर्ति तो पहले से रखी है, रविदास जी की तो बात में आई, तो आप यहाँ से भी वंचित हो जाएंगे। तो मित्रों इस पर भी ध्यान देना, और ये गंभीर विषय और अति संवेदनशील है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास।